ट्रैफिक लॉस चल रहा था 17 सितंबर 1968 मंगलवार को चौथे पेज की मध्यांश में बात चल रही थी भक्ति मार्ग में धक्के खाने की। शिव के पिछाड़ी द्वापर के आदि में इतने धक्के नहीं खाते थे जितने अभी धक्के खाते हो कलयुग के अंदर। कितने कितने देवताओं की तरफ जाते रहते हो, खाते भी हैं, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। चौरस फेरा पाया फिर भी कुछ भी पता नहीं पड़ा असलियत का। तो आया ना, चारों तरफ फेरे लगाए फिर भी हरदम दूर रहे। ये भक्ति मार्ग में होता है ना, से होता है बाप से होता है। बाप को ढूंढने के लिए चारों तरफ जन्म भाई जन्म फेरा पहनना और हरदम बाप से दूर रहना, क्योंकि बाप को, क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं होता है कि बाप कब आते हैं। आते हैं बुलाते हो कि पतित पावन आओ, यहां ही सृष्टि पर आओ, ऐसे बुलाते हो ना, बाबा यहां आओ, आए करके हमको पावन बनाओ और राजयोग सिखाओ। तो राजयोग यहां आकर के बच्चों को सिखलाएगा ना। 17/9/1968 की प्रातः क्लास का 5 रुपये। तो देखो ये राजयोग, सभी कहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग, भारत का प्राचीन राजयोग समझाने के लिए तो बाप ही आएंगे ना, और कौन आए करके पतित से पावन बनाई सकेगा। ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा पावन कौन बना सकेगा इस समय में, जबकि कलयुग का घोर अंत है और फिर भविष्य में कब होगा जो लक्ष्मी नारायण को फिर से कौन आके कोई पावन बना सके। तो देखो अभी तो सब समझ गए ना, बहुत छोटा सा ये ड्रामा का पार्ट है। पुरुषोत्तम संगम युग में और ये ड्रामा को इतना लाखों बरस का कहना, और फिर लाखों वर्ष में इतने ढेर सारे जन्म देना, फलानी बात कहना, ये बिल्कुल ही बातें फालतू है। तो भक्ति मार्ग तो आधा कब चलता ही है, ड्रामा प्लेन अनुसार, तो क्या करें। इसलिए ये सभी अगड़म बगड़म बातें सब हो जाती है। तो ये बच्चों को सिर्फ कहते हैं, बच्चे क्या करो,
उठते बैठते चलते फिरते, और बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार हर एक बच्चा पुरुषार्थ भी करते हैं। ये बात भी बाप जानते हैं। जिन बच्चों ने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उसी प्रकार से राजधानी स्थापन होती है। सो यहां देख रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं कि बरोबर स्कूल के बच्चे वो हद के बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे सब एक जैसा थोड़े ही पढ़ते हैं। तो ये भी है तो पढ़ाई ना, ये भी पाठशाला है ना बच्चे, और इस पाठशाला में राजयोग की पढ़ाई है। तो राजयोग की पढ़ाई सभी भारतवासियों को पढ़ाई जाती है। अभी भारतवासी अभी के थोड़े ही था, भारतवासी सभी कोई थोड़े ही पढ़ेंगे, क्योंकि कोई बहुत हैं जो जाके हिंदू बने, और हिंदू बन करके कहां कहां कौन कौन से देश में विदेश में कन्वर्ट होते रहे, जाके मुसलमान बने हैं, और जाकर के क्या हो गया है उनको, तो वहां से निकल के सबको आना तो जरूर है। जैसे वहां कन्वर्ट हुए थे यहां भी कन्वर्ट होंगे, सब कन्वर्ट होने वालों को आना है। तो बच्ची टाइम पड़ा हुआ है ना, तो जो भी सब हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं या हुए होंगे, वो देवी देवता धर्म के थे, वो जरूर इकट्ठे होकर आएंगे, जरूर आगे पीछे आएंगे। देवी देवता धर्म के झाड़ के जो भी हैं और है भी नंबर वार, वो आएंगे। जितना भी झाड़ का पसारा होगा तो समझ सकते हैं, हमारे मूल वतन में जो भी हमारे देवी देवता भारत की संख्या है वो तो एक्यूरेट होगी ना बच्ची। तो यहां षष्ठी रूपी रंग मंच पर आकर नई दुनिया में पहले एक्यूरेट बनते हैं, फिर एक्यूरेट बन जाते हैं, नहीं तो एक्यूरेट तो होगी ना भाई। हिसाब लगाए कितना लाख कितना करोड़, भाई इनकी संख्या एक्यूरेट होगी जरूर। तो एक्टर्स एक्यूरेट पूरे होंगे, एक भी कमती नहीं, न एक जास्ती होगा। पर वो अभी गिनती करना तो बहुत मुश्किल होता है। जो भी नाटक में एक्टर्स हैं
उसका अंदाज बिल्कुल पूरा है। तो क्या करें, अभी जान नहीं सकते। वो जो समझते हैं कि 33 करोड़ अब ये तो शास्त्रों की आखानी है, उन आख्यानियों के ऊपर भी कुछ विश्वास नहीं रखा जा सकता है। हाँ, विवेक कहता है कि जितने भी हैं इतने जरूर एक्यूरेट पारधारी फिर भी आकर के अपना पार्ट बजाएंगे। तो वहां ऊपर में जाएंगे तो अपने देवी देवताओं के सेक्शन में जाएंगे, तो वहां तो पूरे रहेंगे ना। देखो, जब भी हम परमधाम से यहां इस सृष्टि पर आते हैं तो एक्यूरेट ही आते हैं ना, गिनती तो बहुत हो सकती है। बाकी वहां तो कोई गिनती करे, तो वहां भी गिनती हो सकती है आत्माओं की। ये भी शायद तुमको पता है कि पिछाड़ी में बाप भी एक्यूरेट बताई देवे, भाई त्रेता के अंत में कितने होते हैं, कितने कितने हैं सब मिलकर के। क्यों, अभी तो बाप बोलते रहते हैं ना तुमको, बताते हैं, गुई गुई पॉइंट समझाता हूं तुमको, गुई पॉइंट समझाता रहता हूं। जो नए नए बच्चे आते हैं उनको बहुत नए नए पॉइंट्स मिलते हैं। तो तुम समझ भी सकते हो, समझ भी सकते हो, और तुमको बताया भी है शुरुआत से लेकर के अभी तलक। देखो कितना फर्क पड़ जाता है, सचयुग आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कितनी आबादी बढ़ जाती है, तो बरोबर फर्क तो पड़ जाता है ना। तो अलफ और बे इनसे उठा करके आईसीएस तक जाओ तो देखो कितना पढ़ाई में फर्क पड़ जाता है। शुरुआत में एबीसीडी की पढ़ाई, पढ़ाई टीचर कोई सब एक दफे तो नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरी पढ़ाई आदि से लेकर अंत तक, सृष्टि के आदि काल से लेकर के अंत तक टाइम तो लगता है ना बच्चे। अब है आईसीएस पास करने का, तो आईसीएस कोई फट से थोड़े ही पढ़ा देगा, नहीं नंबर वार दे करके ऊपर में चढ़ाते हैं। जैसे ये भी नंबर वार शुरुआत में हम जैसे कि अलग बे पढ़ते थे, अभी हम दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी पॉइंट्स मिलती जाती है, तो मनुष्यों की बुद्धि में जल्दी बैठ सकती है। तो
aquí a la fe, ahora B. Van a A, B, C, D, este ni se lleva aquí. Este ni para ahí. Parte de este. Teacher se va a cartera este. और वहां पढ़ते ही रहते थे। फिर यहां भी पढ़ते रहते थे। जब देखा है कि नहीं, अभी तो मनुष्य समझ सकेंगे। ड्रामा में ऐसा है कुछ है जो समझ सके। तभी निकले हैं समझाने के लिए। तो पहले जो समझाते थे और अभी जो समझाते हैं उसमें रात दिन का फर्क हो गया। तो बाप नई नई बातें समझाते रहते वो बातें बुद्धि में बैठती रहती हैं औरों को समझाने के लिए। इस बात से तो बिल्कुल सहज है कि अगर तुम बाप को बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, तो भला पावन तो बनो ना। तभी अभी बाप कहते हैं मैं आया हूं ना, तो पावन बनो, मैं रास्ता बताता हूं। सिर्फ अपन को आत्मा समझ करके मां में कब याद करो। जैसे 5000 वर्ष के पहले भी कहा था कि अपन को आत्मा समझ मां में कब याद करो, देह को भूल जाओ, देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, सभी धर्मों को छोड़ दो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उनके धर्म पिताओं को भी याद ना करो। देखो पहले तुम पहले पहले शुरुआत में सतो प्रधान होकर के जब आए थे सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वैसे ही अभी तुमको सतो प्रधान नंगे हो करके जाना होगा, देह को छोड़ना होगा। देह रूपी वस्त्र है ना, इसको उतारना होगा। और देह के ढेर संबंधी उनकी याद भी छोड़नी हो, देह के पदार्थ उनको भी छोड़ना। एकदम नंगे होकर के जाना है, फिर यहां पाठ बजाने के लिए आना है। तो आत्मा को सतो प्रधान ही तो बनना होगा ना। वहां जाकर के फिर सतो प्रधान होकर के यहां आना पड़ेगा। तो अभी आत्मों को सतो प्रधान बनने के लिए तो बोल देते हैं ना, क्या करो मां में एकम याद करो। आत्मा जो पतित बनी है, परमात्मा को पतित पावन कहती है। तो वो भी तो ऐसे ही है। कौन परमात्मा कहते हो, वो भी तो ऐसे ही है। पतित से पावन बनती है ना। आत्मा जो पतित बनी है वो आत्मा परमात्मा को पतित पावन कहती है। और वो परमात्मा भी वो भी ऐसे ही। तो देखो क्या बंदर है। अभी तुम बंदर खाते हो,
कितनी छोटी सी बिंदी है आत्मा, और शरीर तो कितना बड़ा हो जाता है। इस शरीर से कितना कार्य करती है, पाठ बजाती है। यही तो बड़ी से बड़ा बंदर है, इसको कुदरत कहा जाता है। तो जब ये अक्षर है कुदरत कहा जाता है ना, उसमें आ जाता है कुदरत। अब कुदरत का क्या बाकी वर्णन कर सकेंगे। तो ये जो आत्मा है ये भी एक कुदरत है। समझते भी हैं भाई, ये आत्मा सितारा है एक छोटा। अभी भ्रकुटी के बीच में है और बरोबर बहुत मेहनत भी करते हैं। उन आत्माओं को देखने के लिए ऐसे ही कितनी मेहनत कर, देखो फिर भी नहीं देखा जा सकता। और अभी भी अगर कोई कहे कि हम परमात्मा का, तो वो तो भक्ति मार्ग में जो अथाह हुआ ना, वो बुद्धि में बैठा हुआ है। वो परमात्मा शायद इतना बड़ा हो, यहां तो बाप ने एकदम साक्षात्कार को ही उड़ाई दिया। क्या तुम साक्षात्कार करके कर ही क्या सकेंगे। आत्मा तो इतनी छोटी चीज है, जो मनुष्यों ने कितना माथा मारा है कि हमें इन आंखों से इस आत्मा को देखें, शीशे में डाला फलाना किया, तो भी कोई नहीं देख सकते। हाँ दिव्य दृष्टि से देख सकते हो।